तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही हैं। तो यह एक और दिन, मतलब नए दिन के साथ नए ब्लॉग लेकर हम आ चुके हैं। और अभी ना गाइस, मतलब ऐसा सुबह का कितना, सुबह का इज़ लाइक 5:56 AM इन द मॉर्निंग। और हम निकल चुके हैं अपने जिम के लिए, वर्कआउट करने के लिए। तो अभी मतलब सुबह सुबह ये ठंड भी काफ़ी मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है ना, महसूस हो रहा है, मतलब फील हो रहा है। तो आज है हमारा मतलब बैक का वर्कआउट ना, तो बैक का वर्कआउट करेंगे आज, अपने बैक को ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ मतलब अपना पीआर, क्योंकि अगर बैक है तो पीआर भी बनता है ना, मतलब पीआर मतलब पर्सनल रिकॉर्ड डेडलिफ्ट का, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि क्या होगा ना। और गाइस एक और बात, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर मतलब आप मुझे देख रहे हो ना, या मेरा व्लॉग को देख रहे हो, तो मतलब गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में मतलब बहुत सारा कुछ टेंशन वगैरह होता है ना, किसी का मतलब बहुत प्रॉब्लम में कुछ रहता है, कि किसी का मतलब ये प्रॉब्लम होता है, किसी का दूसरा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सबका लाइफ में होता है ना गाइस। लेकिन मेन बात तो ये है कि गाइस आप लोग अभी भी ज़िंदा है, राइट? आप लोग अभी भी ज़िंदा है ना, आपका सेहत अभी अच्छा है, आपका कंडीशन अभी थोड़ा ठीक है ना, आपका बॉडी अभी थोड़ा ठीक है। मेन बात तो ये है कि आप अभी भी ज़िंदा है, तो उसके रहते मतलब जब तक आप ज़िंदा है या जब तक आप ठीक है, आप मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो मतलब सोल्यूशन निकाल ही सकते हैं। तो उसको ज़्यादा मतलब वो टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब एक मतलब सोचते हैं कि मतलब ये मेरा ये प्रॉब्लम हो गया तो अभी मैं कैसे मतलब निकलूँगा ना, तो सिर्फ वही सोचते रहते हैं। मतलब उसका मतलब उसकी वजह से ना, मतलब उनका हेल्थ पे असर होता है, उनका मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर मतलब इफ़ेक्ट करता है। तो मतलब सोचना बेकार है गाइस, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। और मेन बात तो ये है कि आप अभी भी ज़िंदा है ना, आप ज़िंदा है तो इसीलिए मतलब ये बात सोच रहे हैं, मतलब आपके मतलब आप समझ रहे हो ना गाइस, मतलब आप ज़िंदा है तो इसीलिए आप ये बात अभी सोच रहे हैं। तो मतलब उसको एक पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव तरीका से लेना चाहिए ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाइस मतलब हार मत मानिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। वो सोल्यूशन ढूंढने में मतलब सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई कीजिए, ये प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए ज़्यादातर, उसको मतलब वो सोचना एकदम बेकार है गाइस। टेक इट पॉजिटिवली गाइस, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, नेगेटिव रह के क्या फ़ायदा ना, मतलब क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का, मतलब दिन भर मतलब सोचते रहे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबका लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी का लाइफ में नहीं होता है, सबका सबके पास अपना 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 है, लेकिन बस वो नज़रिया है ना, वो देखने का क्या है, उससे उसमें डिपेंड करता है। और गाइस मेरा मतलब आपका ये आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि मतलब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मतलब ऐसा फ्री टाइम मिले ना गाइस, तो अपने फ़ोन से ज़्यादा मतलब फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ ना, मतलब मैं तो मेरा तो इसी में काम चलता है, तो थोड़ा बहुत मतलब फ़ोन को साइड में रख के ना गाइस, ऐसा थोड़ा रीडिंग का हैबिट, अगर बुक पढ़ने का हैबिट आप डाल लेंगे थोड़ा, मतलब जिससे कि बुक पढ़ने से ना गाइस क्या होता है कि मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिलेगा ना, और आपकी मतलब थोड़ी सी ग्रामर भी मतलब सही हो जाएगी, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज का बुक पढ़ोगे उस लैंग्वेज में अपना आपका ग्रामर भी थोड़ा सही हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, राइट? और आपका जो बोलने का तरीका है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो बुक पढ़ना भी मतलब सही है, बुक पढ़ा कीजिए, मतलब बुक रीडिंग हैबिट रखिए, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, थोड़ा क्या मतलब बहुत हेल्प मिलता है ये सब चीज़ों में होने से गाइस। मतलब सुबह सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करने से या थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने से, इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ बूस्ट होती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बूस्ट होती है,
और साथ ही साथ मतलब ये काफ़ी अच्छा तरीका है मतलब स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस से मतलब थोड़ा सा छुटकारा पाने का, क्योंकि स्ट्रेस लेके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यार गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं अपने जिम के बाहर में। अपना गाड़ी को स्कूटी को साइड में इधर पार्क कर देते हैं और जाके अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। सो यार गाइस, अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने जिम के बाहर और अपना स्कूटी को भी थोड़ा साइड में पार्क कर दिया। तो चलिए जाके करते हैं अपना आज सुबह का वर्कआउट, जो कि हमारा बैक का, जैसे कि आपको पता ही हमने तो पहले ही बोल दिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए टाइगर पोज है अभी हमारा वर्कआउट सेशन भी हो गया ख़त्म, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। राइट, सब चलिए चलते निकलते हैं। सो यार चलिए चलते हैं। और जाते जाते ना गाइस, मतलब और कृष्णा भैया की दुकान से थोड़ा सामान भी ले लेते हैं। मन दा मेरा सामान दा इस ब्रेड सा अच्छा वाइट मन था अरे वाइट था टैग लौदे वाला अरे फोन कर सो देते ही बंद एक सीन पार्क है भाई टैग लौदे से यार। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। स
संभाल के भाई, संभाल के। तो अभी सुबह के कितने, इट्स लाइक 8:44। तो क्या है कि इस समय मतलब अभी स्कूल और कॉलेज का मतलब टाइम है ना, तो थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ रहता है, थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, तो ऐसे टाइम पे ना, ओ ओ ओ, ओ गिरने वाला था अंकल, ओ ओ ओ ओ, गिरने वाला था। स्कूल आवर है ना गाइस, तो इसीलिए मतलब अभी स्कूल आवर है और मतलब अभी ऑफिस का भी टाइम है, तो इसीलिए उसके रहते थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। तो ऐसे में तो मतलब हमें ही मतलब ध्यान से राइड करना चाहिए और ड्राइव करना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मतलब अचानक से सामने आ जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि मतलब उनको भी इंजरी होता है, साथ में मतलब हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो मेन बात तो यही है कि किसी को चोट ना लगे, इसीलिए ध्यान से चलाइए। और हाँ मतलब ऐसे टाइम पे मतलब जो पब्लिक होती है, जो रोड क्रॉस करते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब देख के चलिए आराम से ना, दाएं बाएं मतलब एकदम साइड से मतलब पूरा देख के ही रोड क्रॉस कीजिए। अगर गाड़ी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि मतलब गाड़ी आ रहा है, तो मतलब भाई ये तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। और गाइस मतलब आज ना मतलब मैंने अपना जो पीआर ट्राई किया, यानी कि मेरा आज 140 का 2 रेप हो गया, तीसरे में मतलब मेरा फेल हो गया ना, तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब मैं इतना मतलब उठा पाऊँगा। सोचा कि मतलब अगर मेरा मतलब पहले तो क्या हुआ कि मेरा 135 का ना कितना 135 का मेरा शायद 3 या 4 ऐसा क्रॉस हो गया, तो मैं सोचा कि मतलब 140 तो शायद जाएगा, तो सोचा कि मतलब जाए ना ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है ना, तो इसीलिए थोड़ा ट्राई किया तो मतलब हो गया आज पूरा। तो इसीलिए इसी तरह से आराम से ट्राई करते रहेंगे। मतलब मैं सोचा था कि अगर मेरा 140 का जो पहला रेप तो हो गया, दूसरा भी हो गया, तो सोचा कि तीसरा रेप भी हो जाएगा, लेकिन वो तीसरे रेप में मेरा क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा बैक बेंड हो रहा था ना, और अगर मैं उसमें ज़बरदस्ती कर रहा था शायद इंजरी का चांस रहता, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से मतलब अगर आप भी अपना पीआर मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कीजिए आराम से कीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें ना, अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग मतलब करते हैं कि मतलब ईगो लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट जितना उठा सकते हो, मतलब वेट उतना लो जितना आप मतलब उठा सकते हो। अगर मैंने अभी मतलब 135 मैंने किया, तो अगर मैं 135 से मतलब 140 की जगह 150 में जाता, तो मेरा शायद मतलब वो ईगो लिफ्टिंग हो जाता ना, वो ईगो लिफ्टिंग होता मेरा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से मतलब आपका इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यार गाइस मतलब काफ़ी टाइम से ना हमने अपना स्कूटी को धोया नहीं था, तो सोचा कि आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, धूप भी खिला हुआ है, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा साफ कर देना, थोड़ा धो लेते हैं। तो यहाँ पे अपना स्कूटी है, ये रहा अपना स्कूटी, और थोड़ा पानी लेके आया हम, तो चलिए शुरू करते हैं साफ सफाई।
गाइस अभी हमारा क्या मतलब स्कूटी का धोना हो गया, तो अभी ये खाता नया खाता इसको लगा देते हैं ना।